तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी, सॉरी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो है वो डेमोक्रेसी का जो है वो सबसे मेन रूल रहने वाला है, क्योंकि आप सब लोग भी जानते हैं कि हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है। और इसके अंदर तो हमें साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोगों को अभी इन दोनों चीज़ों का कुछ इंटरसेक्टिंग दिख नहीं रहा होगा, कुछ इंटरकनेक्शन दिख नहीं रहा होगा कि कहाँ डेमोक्रेसी पे पहुंच गया और कहाँ यहाँ पे पहुंच गया। तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो लिंक्ड हैं। कैसे हैं, क्या है, वो सब पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात क्या है, नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब नहीं है। ज़रूरी बात यह है कि आप अपने स्टडी टेबल पर जाएं, कॉपी पेन निकालें, एक नोटबुक बनाएं, इस समय नोटबुक नहीं है तो कुछ रफ नोटबुक में लिख लें, बाकी एक नोटबुक बनाएं और इसे प्लीज़ स्कूल के नोट से थोड़ा सा डिफरेंट रखें। मैं मर्ज करने की कोशिश कर चुका, मुझे जो है वो कुछ खास हाथ नहीं आया है। फिर इन दोनों नोट्स को देख के कुछ मेन पॉइंट्स बनाएं और स्कूल वाले जो नोट्स हैं और इन दोनों को रेगुलर रिवाइज करें। शुरुआत में दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, फिर 10 से 15 मिनट में दोनों रिवाइज हो जाएंगे। एक महीने के अंदर अंदर अगर आप रोज रिवाइज करते हैं तो गारंटी मेरी है, फिर जब से ऐसा होने लग जाए हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर महीने में, ठीक है, करें शुरू। तो हमारा जो पहला टॉपिक वो है, वो क्या है, डेमो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान, क्या समझते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बात करें तो द एक आर्टिकल है, हमें सबको पता है, ठीक है। फिर है इंडियन यानी कि भारत का, इंडियन मतलब क्या होता है, भारत का, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। कुछ लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे संविधान शब्द से अवगत नहीं होंगे, यानी कि वो जानते नहीं होंगे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो मैं उसके बारे में जो है वो सारे डाउट्स क्लियर करता चलूंगा, है ना। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले ये सबसे नया सा कुछ जो टर्म सा आया है कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्कस करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, अ रिटन सेट ऑफ लॉज, एक रिटन सेट है किसका, लॉस का। अब मैं आपको फोटो डिस्प्ले करूं तो ये जो आप देख रहे हैं ना फोटो, ये भारत का संविधान है। इसके अंदर सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे रेगुलेशंस, कौन कैसे क्या काम करेगा, कब काम करेगा, अगर मान लीजिए किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो क्या चालान होगा, प्रधानमंत्री क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कैसे संभाल जाएगी, कौन इलेक्ट करेगा, तमाम बातें, खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, तमाम बातें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और बात बता दूं कि ये जो है ये मेनली काम करता है हमें सुरक्षा देने का, हमें गार्ड करने का। गार्ड करने का कैसे करता है कि ये तो एक किताब है, तो सबसे पहली बात ये एक किताब नहीं है, ज़्यादा इमोशनल बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक किताब नहीं है, ये जो है ये हमारा एक तरीके से गार्ड होता है। कुछ लोगों को पता होगा सिक्योरिटी गार्ड्स, ये टर्म तो सबने सुन रखा है, और कोई सोसाइटी वगैरह में रहता है तो उसे पता भी होगा कि सिक्योरिटी गार्ड उनके यहाँ तैनात रहते ही होंगे, है ना। तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उन सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या है, उनका वर्क है कि आपको सिक्योर करें, आपको गार्ड करें, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। आप शब्दों पे भी गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आपको सिक्योर करते हैं या फिर आपको गार्ड करते हैं। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें गार्ड करते हैं, यानी कि हमें सिक्योर करते हैं, हमें लोगों से बचाता है, हमें इवन खुद से बचाता है। खुद से कैसे बचाता है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये अब मैंने आपको जो है वो दो पॉइंट्स बता दिए। दो पॉइंट्स क्या है, जो मेजर पॉइंट्स है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉलेज दे दिया, जो कि होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता आपके स्कूल के अंदर देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए मैंने दे दिया।
कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खाली की खाली रिटर्न सेट ऑफ लॉज नहीं होता। आपकी बुक में जो दो मेन पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको रटने हैं या फिर याद करने हैं, रटने शब्द का यूज गलत होगा, याद करने हैं फिर समझने हैं, वो क्या क्या है। एक तो वो एक रूल बुक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटर्न सेट है लॉस का, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, दो चार बार पढ़िए याद हो जाएगा, फिर रिविजन के थ्रू आपको सब याद हो ही जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटर्न सेट है लॉस का, और वो जो है वो हमें गार्ड करता है। किससे गार्ड करता है? भाई सबसे गार्ड करता है, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो हमें बस गार्ड करता है, यहाँ तक लिखना मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए कोई 6-7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो खाली इतना लिख के ना आए, उसके बारे में कुछ चीजें लिखे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें लिखनी है, ठीक है। अब साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलेंगे और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये लिख लेंगे। मैं बोलूँ जब लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, और अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे जो मैं बोलना भूल गया हूँ लेकिन लिखने का है तो आप लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं ज़्यादातर पॉइंट्स बोल दूंगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉज, और काम क्या है? गार्ड करने का। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर ले, हिंदी में बना ले, हिंदी में बना ले, आप कैसे भी बना चाहे वो आपकी मर्जी है, मैं ज़्यादा उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करूँगा क्योंकि नोट्स खुद के हों तो ही अच्छा है। फिर बात आता है हमारे आइडियल्स की। अब आइडियल क्या होता है? तो आइडियल मतलब प्रिंसिपल। एक 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 एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, हर चीज़ का एक एक एग्जाम्पल लेते चलेंगे। तो एक एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको वॉट इज आइडियल, तो मान लीजिए आपका स्कूल है, अब उसके अंदर एक रूल है जिस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाता है कि कोई भी बच्चा जो है वो फटे हुए कपड़े ना पहन के आए, या फिर उसका जो और कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे उसके पास हैंकी होना बहुत ज़रूरी है, उसके नील ट्रिम्स होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका स्कूल इस चीज़ पर बहुत ध्यान देता है, तो वो क्या उसके आइडियल्स हैं या फिर उसके प्रिंसिपल्स हैं? आइडियल्स आजकल के ज़माने में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए आपका ड्रीम है IIT, या फिर आपका ड्रीम है CA, या फिर आपका ड्रीम है IES, तो आपका अगर ड्रीम है IIT तो आप किसी सक्सेसफुल IITian को देखेंगे, अगर आपका ड्रीम है बिजनेस तो आप किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखेंगे ना। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ना ही किसी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ और ना ही एक का नाम लेके और दूसरे का ना लेके किसी को बेइज्जत करना चाहता हूँ, या फिर किसी का मेरा इंटेंशन नहीं होता, लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं इसलिए नो, ठीक है। तो बात यहाँ पे ले दे कि इतनी सी है कि वो अपने आप को आइडियल मानते हैं, या फिर किसी को अपना आइडियल मानते हैं। अगर आपको आज बिजनेस करना है तो आप किसी को आइडियल मानेंगे, अगर आपको आज IIT करना है तो कोई जो बहुत बड़ा IIT इंजीनियर है उससे आइडियल मानेंगे, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप किसी बहुत बड़े एक्टर को ऑफ कोर्स आइडियल मानेंगे ही मानेंगे। हो सकता है कुछ लोग ना माने, काफ़ी सारे लोग मानते हैं। तो वो क्या है? वो आइडियल्स जो है ना वो यहीं पर है, वो उन्हीं का सेम मतलब यहाँ पे है, बस वहाँ पे जो है वो आप किसी आदमी को आइडियल मान रहे हो, यहाँ पे आप किसी रूल को आइडियल मान रहे हो, आप उसे जैसे फॉलो करते हो ना उस आइडियल को कि वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूँगा, उसने वैसा किया था इस टाइम पे मैं भी मुझे भी वैसा ही करना चाहिए, आप उसे क्या करते हो? फॉलो करते हो। तो वैसे आपको जो है ये बहुत मेन रूल्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से बारीकी से जो है वो फॉलो करना है। अब कुछ आइडियल्स की बात कर ले कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है करते हैं। तो कुछ आइडियल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं? तो सबसे पहला जो है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। अगर आज एक लड़का और एक लड़की सामने आते हैं तो वो समान हैं। अगर आज मान लीजिए मैं मुंबई में जाता हूँ और कोई मुंबई का लोकल आदमी है, तो मैं और वो समान है कानून की नज़र में। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आपके पास आता है, उसके पास 8,000 करोड़, मैं ऐसे एक फिगर उठा रहा हूँ, 8,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, और आज आपको तो आप और वो दोनों ही कानून की नज़रों में जो है वो इक्वल हैं,
ना वो बड़ा है ना आप छोटे हो, ना आप छोटे हो ना वो बड़ा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है इक्वालिटी। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो सेक्युलरिज्म, उस पर हमारा पूरा चैप्टर ही है। तो सेक्युलरिज्म क्या है, तो सेक्युलरिज्म ये है कि हर धर्म का आदमी इक्वल है, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई सिख कोई ईसाई कुछ नहीं, सब इक्वल है, ठीक है। सब लोग अपना अपना शांति से रहो, सरकार को कोई मतलब नहीं, आप क्या आप अपना अपना शांति से रहो ना, वही चीज है बस। फिर है हमारा फ्रीडम, फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा फ्रीडम, और फिर फ्रीडम के बाद क्या है हमारा राइट्स या फिर लिबर्टी। राइट्स यानी या फिर लिबर्टी आप सब लोग जानते ही हैं, फ्रीडम आजादी। अब इन सारी चीजों के अंदर ना कुछ एक्सेप्शंस है, क्या है कुछ एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है हमारे इंडिया में नहीं है कहीं पे ये एक्सेप्शन हो कि हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं होंगे, या फिर आप मान लीजिए फ्रीडम है तो उसके अंदर एक्सेप्शन है कि आपको फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करेंगे। आप गए पगल वाले के एक थप्पड़ लगा दिए, मुझे तो फ्रीडम है थप्पड़ मारने की, मुझे तो हर चीज़ की सरकार ने फ्रीडम दे रखी है, पर पुलिस की बुलाया, मान लीजिए मैं बिना लाइसेंस के या फिर बिना हेलमेट पहने हम सड़क, हम तो भाई सड़क पे निकल गए, हमें तो सरकार ने फ्रीडम दे रखी है। नो, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसने जो रूल्स बनाए ना सरकार ने वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो फ्रीडम मिली हुई है फुली। ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने एक्सेप्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है।